और चलिए इसी के साथ अब आपको राजस्थान में कोरोना का मीटर बताएं। 12 घंटे में 7 लोगों की मौत हुई है, जबकि 149 नए कोरोना पॉजिटिव केस सामने आए हैं। जोधपुर में 2, नागौर में 1, पाली में 3 और उदयपुर में 1 व्यक्ति की मौत हुई है। राजस्थान में अब तक 489 मौतें हुई हैं, जबकि 22,212 पॉजिटिव केस। और विकास हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए इसी खबर पर। विकास, लगातार नए मामले सामने आते हुए जो आंकड़ा है वो बढ़ रहा है, 22,212 पॉजिटिव हैं। कितने लोग अभी हॉस्पिटल में हैं, कितने लोगों को डिस्चार्ज किया गया है, क्या कुछ जानकारी आपके पास इस पूरे मामले में विकास? खुशबू, देखिए राजस्थान की बात करें तो जुलाई माह के अंदर एकाएक कोरोना का विस्फोट जो है वो जो हुआ है। हम बात करें आज की तो पिछले 12 घंटे के अंदर 7 लोगों की मौत हुई है, वहीं दूसरी ओर 149 नए पॉजिटिव केस सामने आए हैं। राजस्थान में अब तक 489 लोग कोरोना के चलते मौत का ग्राफ हुए, वहीं जो पॉजिटिव मरीज है उनका आंकड़ा जो है 22,212 पहुंच गया है। हम बात करें अगर अस्पतालों के अंदर कितने लोग डिस्चार्ज जो है रिकवरी की स्थिति हुई है, तो अब तक 80% से मरीज जो है अस्पताल से रिकवर होकर के घर पहुंच चुके हैं, जिसका फिगर 16,877 है। वहीं दूसरी ओर जो डिस्चार्ज किए हुए मरीज है, जो रिकवर के बाद जो डिस्चार्ज किए गए मरीज, उनका फिगर जो है 16,504 पहुंच गया। लेकिन जो सबसे बड़ी चिंता वाली बात है वो यह है कि जून माह के अंदर जहां एक्टिव केस की जो फिगर था वो 3,000 के आसपास बना हुआ था, वही फिगर अब जो है 48,800 के आसपास पहुंच गया है, जो कि बहुत बड़ा फिगर है और बहुत चिंता की बात है, क्योंकि 3,000 से सीधे 4,500-4,600 के आसपास का आंकड़ा औसत रहना ये दर्शाता है कि वापस दोबारा से जो केस है वो बढ़ रहे हैं और उसी अनुपात में मरीजों के ठीक होने का सिलसिला है वो थोड़ा कम हुआ है। जी बिल्कुल विकास, तो कहीं ना कहीं ये चिंता वाली बात है जैसा कि आप कह रहे हैं, क्योंकि हमने ये देखा था विकास के पिछले कई दिनों से 3,000 से 3,100 के करीब जो मरीज है वो हॉस्पिटलाइज्ड थे, लेकिन अब ये संख्या बढ़ रही है, तो क्या लगता है कितना तैयार है राजस्थान जो केसेस और बढ़ेंगे उसके लिए? विकास, देखिए जो केस बढ़ रहे हैं उसको लेकर जो सरकार का तर्क देखे हैं तो उनका कहना है कि पहले औसतन 15,000 से 16,000 जांचें रोज हो रही थी, वो जांचें जो है 20,000 से 22,000 के आसपास हो रही है, इसीलिए कोरोना के केस जो है वो बढ़े हैं। हालांकि चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा का कहना है कि इस पूरे मामले में कि जो केस बढ़ रहे हैं वो सिर्फ इसलिए बढ़ रहे हैं क्योंकि जांचें बढ़ रही है, हालात नियंत्रण में है, चिंताजनक स्थिति में नहीं है और कोशिश यही है हमारी की मोर्टिलिटी जो है उसको रोका जाए, उसमें काफी हद तक हम कामयाब भी हो रहे हैं। बिल्कुल, लगातार नजर रहेगी। शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए विकास।